दोस्तों नमस्कार, गुड मॉर्निंग और मॉर्निंग। आज का इस कमांडो ट्रेनिंग सेशन में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों सबसे पहले मैं नमन करना चाहूंगा सुरेखा भार्गव मैम का, जिनके सानिध्य में मैंने इस बिजनेस का शुरुआत किया। मेरा नाम दिलीप साहू और नॉर्थ ईस्ट के असम के एक छोटे से शहर विश्वनाथ 40 में बिलोंग करता हूँ। और आज से 2.5 साल पहले मैंने मोदी केयर बिजनेस का शुरुआत किया। दोस्तों बहुत ही शानदार प्लेटफॉर्म है ये मोदी केयर बिजनेस, जिसके साथ में रहकर हर एक व्यक्ति अपने जीवन को बेहतर से बेहतर बना सकता है। मेरे साथ भी कुछ इस तरह का घटना रहा डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, और मैं बहुत ही स्टडी के बाद मोदी केयर बिजनेस को सिलेक्ट किया, चुनाव किया। और आज की तारीख में अगर बताया जाए तो 2.5 साल के अंदर प्लेटिनम डायरेक्टर लेवल अचीव किया, साथ में एक फॉरेन ट्रिप घूमकर आया दोस्तों, और एक एक्सयूवी 300 का सेकंड टॉप मॉडल 11 लाख का कार भी मैंने लास्ट ईयर जो है लिया है कार फंड द्वारा। और लाखों का इनकम के साथ मैं अब इस जीवन को जो है बहुत ही शानदार तरीके से जी रहा हूं। तो दोस्तों आज का इस कमांडो ट्रेनिंग सेशन में आप सभी लोगों के सामने में एक ऐसे व्यक्ति से मैं रूबरू कराने जा रहा हूं जो एक आईटी प्रोफेशनल है और साथ में वे एक एमएनसी कंपनी में सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर के हिसाब से कार्यरत है। और पिछले 18 महीने पहले उनके धर्मपत्नी ने इस बिजनेस का शुरुआत किया और पिछले 6 महीने से लगातार सपोर्ट करते हुए इस बिजनेस को वे बढ़ा रहे हैं आगे। और आज के तारीख में वो प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर लेवल पे हैं और लाखों का इनकम मंथली ले रहे हैं। तो ऐसे एक शख्स को आपके सामने मिलाने जा रहा हूं, तो एक बार जोरदार क्लैपिंग के साथ एक डायनामिक लीडर को इनवाइट करने जा रहा हूं, प्रथमेश विश्वकर्मा सर, प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज प्रथमेश विश्वकर्मा सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू दिलीप जी, वेलकम प्रथमेश जी, थैंक यू फॉर सच अ वार्म वेलकम, इट्स रियली माय प्लेजर टू बी एड्रेस्ड बाय यू सर, थैंक यू सो मच। सो गुड मॉर्निंग एंड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई होप आप सेफ होंगे, हेल्दी होंगे। आप सभी का स्वागत है आज के इस सेशन में जो 16th कमांडो ट्रेनिंग सेशन है इस लीप प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों थैंक्स टू सुरेखा मैम, निशाद जी फॉर इंट्रोड्यूसिंग सच अ बिग एंड ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म डियर फ्रेंड। थैंक्स टू माय मेंटर संजय जी and Anil sir, and thanks to my upline dynamic and our dost Roshni and Sandeep Arora ji for giving this business to us, and million thanks to my entire team jinki support se aaj main yahan pe aapke samaksh hu dosto. A brief introduction, aise to sir ne mera introduction de hi diya hai, but little I will add myself, Prathamesh Vishwakarma. Yes, main ek IT professional hu aur as a senior project manager ek MNC company mein aaj kaam kar raha hu dosto. 18 mahina pehle Modi Care business मेरे घर में आया, 18 महीना पहले बिजनेस मेरे घर में आया मेरी वाइफ संगीता विश्वकर्मा के द्वारा। दोस्तों उन्होंने कुछ प्रोडक्ट्स लाए थे, प्रोडक्ट्स अच्छे लगे जब मैंने उनको यूज किया, बट दोस्तों जब बिजनेस की बात आई तो जैसे हर हस्बैंड करते हैं मैंने भी वही किया, राइट, कि ठीक है देखेंगे करेंगे, बिकॉज दोस्तों आई वॉज इन माई कम्फर्ट जोन, मैं अपने कम्फर्ट जोन में था क्योंकि मैं लाखों का पगार उस वक्त ले रहा था। अब तो मुझे ये 5,000-4,000 कुछ मायने नहीं रख रहा था दोस्तों। बट कुछ महीने बाद, आई थिंक 10 महीने बाद, संगीता मेरी वाइफ ने 50,000 का चेक दिखाया, एंड दैट वाज द टर्निंग पॉइंट फॉर माय लाइफ दोस्तों। वो 50,000 का चेक जब देखा मैं, तब मुझे वो 7 साल याद आ गए जब मैं ट्रेन के धक्के खा के लटक के ऑफिस जाता था, और मुझे वो 50,000 का पगार कमाने के लिए दोस्तों 7 साल लगा, और मैडम ने सिर्फ 10 महीने में उस 50,000 रुपए को कमाया। दैट वॉज द टर्निंग पॉइंट। तब मैंने डिसाइड किया कि नहीं, ये चेंज लाऊंगा और इसको अच्छे से बिल्ड करूंगा। दोस्तों सफर वहां से शुरू हुआ हम दोनों का। राइट नाउ वी आर प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर, 1 लाख+ की इनकम है, वी आर कार अचीवर, और दोस्तों ये सारा चीज जो हुआ ये सिर्फ और सिर्फ दुकान बदलने से हुआ दोस्तों, सिर्फ दुकान बदलने से। और दुकान तब बदल सकते हैं जब अपनी सोच को बदलेंगे दोस्तों। ये परिवर्तन बहुत जरूरी है, खास के इस एरा में, कोरोना एरा में दोस्तों। वी शुड नॉट बी इन अवर कंफर्ट जोन, वी शुड ट्राई टू फाइंड अ सेकंड सोर्स ऑफ इनकम जो हमारे जीवन को आगे ले जाए, राइट।
ये क्यों जरूरी है दोस्तों, व्हाई दिस परिवर्तन इज रिक्वायर्ड, और हमें करना क्यों और करना क्या है, इसको समझने के लिए आज हमारे साथ एक डायनेमिक लीडर है श्री हरीश सुवर्णा जी। वो एक इतने सिंपल और इतने हम्बल लीडर है, वो मुंबई से बिलोंग करते हैं, हमेशा उनके चेहरे पे स्माइल रहती है। वो एक प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर है, मिलियन अचीवर है एंड सक्सेसफुली बिल्डिंग दिस बिजनेस माय डियर फ्रेंड। सो लेट्स वेलकम हरीश सुवर्णा जी विद अ क्लैपिंग। वेलकम सर, वेलकम, वेलकम ऑन बोर्ड, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच प्रथमेश सर, सच ए वार्म वेलकम के लिए। दोस्तों साधारण लोगों को इससे बड़े आप क्या चाहिए सम्मान, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म एक सम्मान मिल रहा है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। सबसे पहला गॉडफादर समीर सर का कोटि कोटि प्रणाम। ये एक सोच का वजह से लाखों लोगों का जिंदगी में परिवर्तन आया, उसमें से मैं भी एक हूँ दोस्तों। कितना लोगों का लाइफ में परिवर्तन आया, थैंक्स टू समीर सर, जिंदगी भर आपका ये रहेगा सर। और गुरु माँ और निशान सर आपको भी कोटि कोटि प्रणाम, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म आप हमारे लिए ये सब ये कर दिया, रियली हैट्स ऑफ। ये तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से बड़ा यूनिवर्सिटी हो सकता है वैसा, लास्ट में बताऊंगा क्यों करके, क्योंकि वैसा है। और गुरु फिलिप सर और नीना मैडम को प्रणाम करते हुए, और महागुरु संजय सर, हरीश जी क्या कमाल करते हो, ये एक सेंटेंस बाप रे, पूरा इतना एनर्जी मिल जाता है, सोच से भी है इतना एनर्जी। और मेरा मेंटर, मेरा गुरु श्री अनिल सर, हर एक स्टेप में, एक एक कदम में मुझे सपोर्ट किया, मेरा आगे बढ़ने के लिए सपोर्ट किया, थैंक यू सो मच। और साथ में सुधीर सर और मेरा प्यारा सा टीम पार्टनर्स, लवेबल पार्टनर सब, इतना कोऑपरेशन है सबका, इतना प्यार से एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए आगे बढ़ रहे, सबको थैंक यू। और साथ साथ में बहुत सारे लीडर लोगों से भी बहुत सारे सीखने को मिला, सबको प्रणाम करते हुए। मैं हरीश सुवर्णा, मोदी के प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर, आप इस लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी में आप सबका स्वागत करता हूँ दोस्तों। यस, लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी, क्योंकि साधारण से एक जॉब कर रहा था दोस्तों, साधारण से जॉब करते करते एक पैसिव इनकम में आना बोले तो सपना ही हो सकते मेरे लिए, तो सपना ही हो सकते हैं। क्यों बोल रहा हूँ, लास्ट जो पैसिव इनकम, लास्ट जो कोरोना अपना लॉकडाउन पीरियड, 8 महीना मैं गांव में था मेरे मम्मी के साथ था, वो टाइम पे एक रुपये का एक पैसा का भी काम नहीं कर रहा था, तो भी ये सिस्टम ने मेरे बैंक में हर महीना लाखों रुपये भेज रहा था। तो सोचिए दोस्तों कितना बड़ा ये अपॉर्चुनिटी है, काम नहीं कर रहा था तो भी इनकम आ रहा था, तो ये पैसे इनकम कितना, क्या दोस्तों वैसे इनकम आप लोग चाहते हो, इतना मतलब एक कुछ अलग ही सोच नहीं सकते वैसा एक, तो उसके लिए आपको पहला सोचना पड़ेगा, पहला सोचिए परिवर्तन, अपना आपको परिवर्तन सोचिए, खुद को बदलिए, तो ही ये सब मुमकिन, बाकी का जो काम है अपना आप होते रहेगा दोस्तों। हम लोग ये प्रेजेंटेशन के थ्रू देखेंगे, जैसा हमारे समीर सर बोल रहे हैं आप परिवर्तन, पहले अपने आपको सोचिए जो आप क्या परिवर्तन चाहते हो, और उसके बाद खुद को बदलिए, और बाकी के जो काम सर आपका साथ साथ रहेंगे। देखिए लोग काम करते हैं, सब कुछ करते हैं, किसके लिए, जो अपना एक सपना, किसी का भी पूछ लीजिए क्या बोलते हैं वो लोग, सपना, सपना क्या है, हाँ बहुत सारा पैसा, गाड़ी, बंगला, वो ही रहता है ज्यादातर लोगों का, लेकिन क्या वो सपना पूरा होता है दोस्तों, पूरा नहीं होता है, कुछ लोगों का होता होगा, लेकिन कुछ लोगों का होता होगा, लेकिन बहुत सारे लोगों का ये सपना सपना ही रह जाता है, क्या कारण है देखेंगे उसमें। और दोस्तों देखिए आपको एक बता दो, इसमें से एक भी सपना आप लेकर आओगे, आपको एक सोच बदल के एक सपना भी इसमें लेकर आओगे, आपका हर एक सपना पूरा हो सकता है, क्योंकि मेरा एक ही सपना था, टाइम फ्रीडम, आजादी। तो एक सपना के साथ साथ मेरा कार फंड, फॉरेन टूर अचीवर, हाउस फंड, मिलियनर, पैसिव इनकम, कितना चेंजेस आ गया दोस्तों, कितना बड़ा परिवर्तन हो गया। अगर आप भी चाहते हो तो आपका सोच बदले, पहले देखेंगे क्या आपका ये सपना पूरा करने आप मेहनत नहीं कर रहे हो, जरूर कर रहे हो, फिर पूरा क्यों नहीं होता है वो आगे के स्लाइड में देखेंगे, पूरा क्यों नहीं होता है करके दोस्तों। क्या ये देखिए महंगाई बहुत अपना साथ साथ, 1960 में 100 रुपए में घर चलता था ये रिपोर्ट में, लेकिन जैसे स्लोली आपका इनकम बढ़ रहा है साथ साथ में वो महंगाई क्या हो रहा है, वहां पे एक शून्य ऐड होते रहता है, उसके बाद 20 साल आगे बढ़ा आपका इनकम बढ़ा, लेकिन साथ साथ में वहां पे भी स्लोली एक शून्य बढ़ रहा है। और 2020 दोस्तों यहाँ पे भी वही हो रहा है, इनकम बढ़ रहा है साथ साथ में आपका खर्चा बढ़ रहा है। देखिए यहाँ से इधर तक हर 20 साल में
एक एक शून्य बढ़ रहा है, एक एक जीरो बढ़ रहा है, तो क्या लगता है आगे के 20 साल में ये रिवर्स होगा? नहीं दोस्तों, ये तो ऊपर की तरफ जाएगा। तो आपका पास क्या ऐसा अपॉर्चुनिटी है 2040 में आपका 10 लाख रुपए पर मंथ, वो भी पैसिव इनकम को बोल रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि ये जो कोरोना ने कोविड ने सबको सिखा दिया सेकंड सोर्स ऑफ इनकम। यहाँ पे क्या था, एक नारा था 1960 में, हम दो हमारा पूरा क्रिकेट टीम पूरा सब लोग इतना खुशी हैप्पी रहते थे। उसके बाद 20 साल के बाद क्या हो गया, हम दो हमारा दो, उसके बाद 20 साल हम दो हमारा एक। ये मॉडल में मैं भी था वो टाइम पे, क्योंकि मुझे पता नहीं था ये अपना पैसे इनकम कमा सकता हो करके। उसके बाद हम दो हम ही दो, तो ऐसे जनरेशन अभी हो रहा है दोस्तों। तो आगे का आप सोच लीजिए क्या हो, अगर यही सिस्टम रहेगा तो आपको सोचना पड़ेगा आगे का। देखिए दोस्तों, आपका सपना पूरा कैसे होगा, लेकिन यहाँ पे देखिए ये जो सिस्टम में है कि बहुत सारा लोगों ने अपना सपना पूरा किया हुआ है। क्या आप चाहते हो अपना सपना पूरा करने के लिए? लेकिन उससे पहले जानेंगे आगे के स्लाइड में आप कौन से सिस्टम में काम कर रहे हो, कौन से सिस्टम में काम कर रहे हो वो जानना जरूरी है दोस्तों। देखिए, डिपेंडेंसी प्लान, एक्टिव इनकम, जैसे आप एजुकेशन में 18-20 ईयर्स एजुकेशन के लिए देते हो, उसका बाद आपको एक जॉब मिलता है, बराबर है। जॉब करते करते जॉब मिलने के टाइम बहुत एक्साइटेड रहते हो, जैसे जॉब करते करते 60 ईयर तक अपना पता नहीं चलता 60 ईयर कब हो गया करते, उसका बाद सीधा भेज देते घर पे, आपका हो गया अभी घर पे बैठ जाओ। उसका बाद ऐसा मुंह लटक के रहना पड़ता है, क्योंकि आपको वो टाइम पे इनकम नहीं है, खर्चा तो हो रहा है, खर्चा कंटिन्यू हो रहा है ना दोस्तों, इनकम नहीं है। तो आपको उसके बाद क्या करना पड़ेगा, किसी के ऊपर डिपेंड, इसको बोला जाता है डिपेंडेंसी प्लान। 40 साल काम करने के बाद भी आपको डिपेंड रहना पड़ता है, ये सिस्टम आपको मंजूर है क्या? नहीं है तो आप सोच बदलिए। इसका पैरेलल दूसरा प्लान है अभी, आजादी प्लान दोस्तों। ये जो आजादी प्लान है 2-5 ईयर्स का, ये न्यू जनरेशन का 2-5 ईयर्स। देखिए यहाँ पे एक बंदा जैसा 18-20 ईयर्स में स्टार्ट किया, उसके बाद भी एंजॉय कर लाइफ, यहाँ पे 2-5 ईयर्स एक बेस्ट पार्ट बोलते हैं। यहाँ पे स्टार्टिंग से आप जो सीखने के लिए आते हो, तब भी से छोटा मोटा इनकम भी साथ साथ है, क्योंकि वहां पे हम लोग एजुकेशन में कोई इनकम नहीं आता था, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे स्टार्टिंग से थोड़ा कुछ इनकम भी आता है। लेकिन जो सिस्टम में आप 2-5 साल करोगे, वो सिस्टम इतना फिक्स हो जाएगा, आपको बाद में उसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। बाद में काम करो या ना करो तो भी इनकम आ जाएगा। इसमें कुछ लोगों को, सिंगर, ऑथर, राइटर्स, साइंटिस्ट लोग ये सिस्टम में अभी तक इनकम कमाते थे, लेकिन वो भी धीरे धीरे आउटडेटेड हो रहा है, क्योंकि आजकल कैसेट वगैरह कहाँ पे प्रिंट हो रहा है, क्योंकि ऑनलाइन में सब जमाना आ गया। लेकिन इसमें एक धमाकेदार एंट्री मारा हुआ जो आजादी प्लान, पैसिव इनकम का दोस्तों, आपके लिए ये सोचने की बात है, बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है दोस्तों। इसके बाद देखेंगे हम लोग आगे स्लाइड में। देखिए मैं बताया तो लोगों को पता है बिजनेस इनकम आता है बिजनेस में, जॉब करके कोई अमीर बहुत रैर केस बिजनेस। तो नॉर्मल देखेंगे बिजनेस कैसा होता है, ट्रेडिशनल बिजनेस और ये बिजनेस कैसा, एक मैन्युफैक्चरिंग अपने प्रोडक्ट्स कुछ बनाता है, लेकिन कस्टमर के पास आने के टाइम बीच में बहुत सारे चेंज करता है, जैसे कि डिस्ट्रीब्यूटर, सब डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर, उसका बाद आता है कस्टमर, कष्ट कष्ट करके मर कस्टमर। जो भी अभी मार्केट में आता है नया प्रोडक्ट, कैसा पता चलेगा, थ्रू एडवर्टाइज। उसके लिए कौन आता है, कोई सेलिब्रिटीज, भले फिल्म एक्टर हो या क्रिकेटर हो, कोई भी, वो अपना अपना फील्ड में बहुत सक्सेसफुल है, बहुत सक्सेसफुल है, फिर भी एक एक एडवर्टाइज के लिए आता है। क्यों, फ्री में करता है कोई? नहीं दोस्तों, वो लोग उसके पीछे लाखों करोड़ों इनकम मिलता है। वो लोग कौन देते हैं सब, आप दोस्तों। 35 रुपीज का 100 रुपए में आता है, आप इतना मेहनत कर रहे हो, महीना भर मेहनत कर रहे हो और अमीर बना रहे हो वो लोगों को, जो अमीर लोगों को अमीर बनाने के ये सिस्टम चल रहा है। ये सिस्टम आपको अच्छा लगता है, यहाँ पे लगभग 90-95% लोगों का मेहनत का सिर्फ 5-10% लोग ही एंजॉय कर रहे हैं दोस्तों। क्या आपको ये सिस्टम अच्छा लगता है? नहीं लगता है तो भी करे क्या, लेकिन आपके लिए एक सोच बदलेगा तो आपके लिए एक नया प्लान है, आजादी प्लान करके। यहाँ पे भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, यहाँ पे कोई मिडिल मैन नहीं है दोस्तों, वहां पे 60% मिडिल मैन को जाता था, यहाँ पे मिडिल मैन नहीं है। ये चाहे तो आप और हम मिलके ये जो 60% बेनिफिट हम लिया ले सकते थे दोस्तों। और आगे के स्लाइड में देखेंगे हम इसके बाद
ये जो बेनिफिट है कि अपना बिजनेस बोलेंगे तो वहां पे बहुत सारा इन्वेस्टमेंट रहता है, सही है, लेकिन यहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट है, लेकिन पूरा कंपनी समीर सर ने अपना बोझ पे रखा, हमारे ऊपर बिल्कुल उसका बोझ नहीं दिया हुआ दोस्तों। जीरो इन्वेस्टमेंट से भी आप ये स्टार्ट कर सकते हो दोस्तों। तो सोचिए, जीरो इन्वेस्टमेंट है तो आपको कोई रिस्क रहेगा, टेंशन ही नहीं है, टेंशन फ्री है, और उसका साथ साथ इनकम क्या अनलिमिटेड, वो कैसा हो सकता है। अभी देखिए, मैं मुंबई में रहता हूँ, एग्जाम्पल मैं वड़ा पाव यार एक बड़ा शॉप खोल दिया, अभी ऐसा भी लॉकडाउन में बंद ही है, इनकेस चालू रहेगा, मैं मेरा फैमिली के साथ 10-15 दिन के लिए घूमने के लिए गया, क्या वो मैं शॉप या लेके जा सकता साथ साथ में, नहीं, मतलब मेरा वो इनकम इतना लाखों करोड़ डाल के भी इनकम बंद हो जाता है। लेकिन ये जो सिस्टम है समीर सर ने ऑल ओवर इंडिया में फैला के रखा, मैं किधर भी जाओ साथ साथ में ये बिजनेस मेरा साथ साथ रहेगा, तो इनकम मतलब दोस्तों अनलिमिटेड इनकम, और प्लस दोस्तों ये फैमिली बिजनेस है, जो मैं जॉब कर रहा था कोई मैं अकेले ही कोई मतलब फैमिली को लेके नहीं जा सकता, लेकिन ये जो बिजनेस है पूरा फैमिली मिलके हम लोग कर रहे हैं, वो एक बेस्ट पार्ट है, और साथ में दोस्तों एक ट्रांसफरेबल बिजनेस, अभी मैं नौकरी छोड़ दिया वहां पे, वो जगह पे मेरा मिसेस को या बच्चे को नहीं रख सकता, वो लोग करने के तो स्टार्टिंग से करो, लेकिन ये एक सिस्टम ऐसा है, अभी 1 लाख प्लस इनकम करो, पहले मैं करो रहू या ना रहू सीधा मेरा नॉमिनी को जाएगा, सीधा ट्रांसफर हो गया, ये बेस्ट पार्ट है नहीं दोस्तों। और दोस्तों एक अच्छी बात बोले, यहाँ पे आपको कोई नहीं पूछेगा आपका एक्सपीरियंस क्या है, कितना साल काम किया हुआ है, क्या है, सिर्फ एक ही पूछा जाता है, क्या आपका सपना है और पूरा करना चाहते हो, बस। तो ये एक राइट प्लेटफॉर्म है आपके लिए करके, ऐसी इनकम जैसे मैं पहले बताया था 8 महीने काम नहीं किया तो भी पैसा आ रहा था दोस्तों, प्रूवन हो चुका मैं ये। और दोस्तों बेस्ट पार्ट बोले तो ये जो करने के लिए आपको ना जॉब छोड़ने की जरूरत है, ना आपका जो बिजनेस है वो छोड़ने की जरूरत, पार्ट टाइम स्टार्ट कर सकते हो, पार्ट टाइम स्टार्ट करते करते भी इसमें आप इनकम कमा सकते हो दोस्तों। तो ये देखेंगे फिर कभी से हिंदुस्तान में कभी से आया हो करके, हिंदुस्तान में देखिए दोस्तों स्टार्ट हुआ 30 मार्च 1996 में, समीर मोदी सर ने गॉडफादर, ये एक विशेष है, एक ही सोच है सर का, हर एक हिंदुस्तानी को फाइनेंशियली आजादी दूंगा करके, आजादी नेक्स्ट लाइन में रहेगा आजादी, एक प्रोडक्ट मतलब देखिए इतना बड़ा विजनरी, उन्हें लगता था हर एक अपना इंडिपेंडेंस तो मिल गया लेकिन फाइनेंशियल आजादी हमें कहाँ मिला हुआ है, गरीब अभी भी कितना है, तो उनका एक विचार आया मैं एक आजादी, बोलने के लिए तो अच्छा है लेकिन सपोर्ट सिस्टम क्या है वो भी जानना जरूरी है दोस्तों, इनके पीछे सपोर्ट सिस्टम कौन है वो जानना बहुत जरूरी है। देखिए ये जो इंडस्ट्री 1933 से आजकल का नहीं है दोस्तों, 1933 लगभग 80-90 ईयर्स का पुराना कंपनी है दोस्तों, शुरुआत किया था 400 रुपया वो टाइम का मतलब अभी 4 लाख करोड़ हो सकता है, क्यों ऐसा, जैसा कि 1960 में 100 रुपए का 2020 आते हैं तो 1 लाख हो गया, तो ये 400 रुपए मतलब अभी का तो 4 लाख करोड़ का हो सकता है दोस्तों, इतना बड़ा इंडस्ट्री है। और 1933 से 1972 तक अलग 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 27 ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री खड़ा किया दोस्तों, ये योगदान के लिए भारत सरकार ने 1968 में इन्हें पद्म भूषण अवार्ड दिया हुआ है दोस्तों। तो सोचिए कितना बड़ा कंपनी के साथ हमें पार्टनरशिप मिली, और उनका नेक्स्ट जनरेशन श्री के मोदी जी बहुत बड़ा विजनरी थे, अपना पिताजी के बिजनेस बढ़ाते लगभग 90 कंट्री में कोलाबोरेशन किया हुआ, 90 कंट्री में सोचिए आप कितना बड़ा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री है, और लगभग 30,000 एम्प्लॉयज काम कर रहे दोस्तों यहाँ पे, और उनका बाद नेक्स्ट जनरेशन हमारा सबका गॉडफादर, एक विजनरी मिशनरी मैं बोल रहा हूँ, वही सोच से आए थे लेकिन अभी मिलियंस ऑफ कंसल्टेंट समीर सर के साथ दे रहे हैं, क्योंकि एक ही विजन हर एक हिंदुस्तानी को फाइनेंशियली आजादी देने का ये विचार, और सबसे अच्छी बात रहती फर्स्ट ऐसा आइडिया से फाउंडिंग मेंबर है दोस्तों, फर्स्ट जैसे कि आजकल क्या बोलते हैं हम लोग पानी बिस्लरी, वो एक ब्रांड हो चुका है, वैसे फ्यूचर में कभी नेटवर्क मार्केटिंग का एक ब्रांड हो जाएगा, हमारा प्राउड फील होता है ये मोदी क्या ये नाम से आ जाएंगे, क्योंकि और उसका बाद अवार्ड विनर। और देखिए दोस्तों बिजनेस पर कौन सा प्रोडक्ट में हमें सपोर्ट कर रहा है,
हर एक हिंदुस्तानी को देने का सपोर्ट, मतलब देखिए हर कोई हिंदुस्तानी यूज करे वो तरीके से गया हुआ है, सुबह से लेकर शाम तक हर एक को क्या चाहिए प्रोडक्ट्स, वो प्रोडक्ट्स है, बच्चों को या औरत या लेडीज मतलब जेंट्स या उम्र वाला कोई भी हो, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स टेक्निकल टेक्नोलॉजी में आया जैसे वॉचेस, इवन भगवान का पूजा करे उसमें भी आ गए हम, हर एक इसमें प्रोडक्ट में लगभग शुरुआत किया था दोस्तों 8 प्रोडक्ट से, तब भी हमसे किसी से ये नहीं मिला इन्वेस्टमेंट, अभी लगभग 600-700 प्रोडक्ट आ गए तो भी किसी से इन्वेस्टमेंट नहीं है, पूरा कंपनी अपना पास रखा, देखिए वाइड रेंज आपके लिए ओपन रखा हुआ मार्केट दिस, और ये बिजनेस में आने ये बिजनेस में क्या आपको बहुत सारे कंपनी से, लेकिन ये जो मोदी कह रहे हैं बेस्ट पे आउट इंडस्ट्री है, हाईएस्ट पे आउट इंडस्ट्री दोस्तों, 62% पे आउट इंडस्ट्री है दोस्तों, सोचिए 62% पे आउट दे रहे हैं, और साथ साथ में एक्यूमुलेशन प्लान, हर महीना आपको जो भी शॉपिंग कर रहे हो एड ऑन होते रहेगा, जो भी आपको उसमें टाइटल मिलता है वो कभी नीचे नहीं आता है, जो भी टाइटल है वो उसके बाद आप अपग्रेड करते रहोगे, प्लस दोस्तों इन्वेस्टमेंट का पार्टी नहीं है यहाँ पे, और क्वालिटी ऐसा रखा है इंटरनेशनल, क्योंकि जैसे समीर सर शुरुआत किया था तब भी से उनका ये था मैं ऑल ओवर वर्ल्ड में भी जाऊंगा करके, तो वो हिसाब से इंटरनेशनल क्वालिटी रखा, और प्राइस इंडियन का पॉकेट सूट होगा वो हिसाब से रखा हुआ दोस्तों, और साथ साथ में सेटिस्फेक्शन गारंटी के साथ, ऐसा नहीं है सेटिस्फेक्शन गारंटी और ट्रेनिंग सिस्टम भी प्रोवाइड किया जाता है दोस्तों, ये सब देखिए सिर्फ शॉप चेंज करने से क्या मिलता है आपको, 10 प्रकार का इनकम, 10 प्रकार का इनकम, देखिए ये जो सेविंग ऑन कंजम्पशन हमें कुछ साल पहले पता चला, जैसे कि 2000 से पहले हम लोग शॉप से लेते थे, उसके बाद एंट्री आया जो मॉल्स का, मॉल आने के बाद पता चला लोगों को अरे यहाँ पे डिस्काउंट मिलता है करके, डिस्काउंट मिलते हैं एक दूसरे को, ये बढ़ाते बढ़ाते अभी आजकल डीमार्ट बिग बाजार का नाम हर किसी को इतना पॉपुलर हो गया, कौन किया इतना आप और हम लोग ने किया हुआ दोस्तों, सिर्फ सिर्फ कुछ डिस्काउंट के लिए वहां पे आधा एक एक घंटा लाइन में खड़ा रहते हैं सिर्फ दोस्तों कुछ डिस्काउंट पार्ट के लिए, और देखिए ये जो नया सिस्टम है यहाँ पे 10 प्रकार का इनकम, वहां पे जो डिस्काउंट अभी नॉर्मल मॉल से जो लेके आते थे हम लोग वो इधर भी हम लोग को बिजनेस नहीं कर पाते, लेकिन ये जो सिस्टम है जो हमें डिस्काउंट मिलता है उसमें आपको इनकम भी कर सकते हैं दोस्तों, रिटेल प्रॉफिट का साथ साथ आपको कैश बैक भी आता है दोस्तों 7% से लेकर 16%, जैसे आप 16% पहुंच जाते हो तभी आपको नेशनल फूल से जो बीवी सेल्स है उसमें से आपको इनकम आपको दिया जाता है 4% डायरेक्टर बोनस, उसके बाद आप किसी को भी एक जन को वो लेवल पे पहुंच जाते हो 14% टीम बिल्डर, 15% लीडरशिप प्रोडक्टिविटी, साथ में आपको गिफ्ट दिया जाता है फॉरेन टूर कार फंड और हाउस फंड भी, और समीर मोदी की एक स्पेशल बोनस है अटूट बंधन वो 2%, हम लोग आगे देखेंगे एक एक कैसा मिलता करके, देखिए जो रिटेल प्रॉफिट नॉर्मल कैसा रहता है, कोई भी एमआरपी रहता है एमआरपी एग्जांपल के लिए आगे एक्सप्लेन एमआरपी 120 का एग्जांपल रहेगा, लेकिन यहाँ पे आपको कितने में मिलेगा 100 रुपीज में, तो 20 रुपीज आपके लिए ये इनकम कर सकते दोस्तों, एक प्रोडक्ट में ऐसा है तो आपके पास सोचिए लगभग 600-700 प्रोडक्ट है उसमें से आप कितना इनकम कर सकते हो, इसके बाद देखिए एक प्रोडक्ट में भी है आप समझ लीजिए आप 1000 का लेते हो कंपनी की तरफ से आपको 10% का एक्स्ट्रा फ्री प्रोडक्ट 1 रुपीज में मिल जाता है, वैसे आप प्रोडक्ट सर आप म्यूट हो गए हो पर आप करते हैं, देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट ऐसे है हर महीने यूज होगा आपका प्रोडक्ट आप लगातार लेते रहे तो यहाँ पे आपका हिसाब रखता है कंपनी, यहाँ पे जो हम लोग मॉल से वगैरह कोई नहीं हिसाब रखता है, लेकिन आप लगातार 6 महीने लिया 7वां महीने में कंपनी बोलता है आपको आपने मेरा लॉयल कस्टमर हो गया आपको ये महीने का 1 महीने का फ्री लेके जाओ, ये एक बहुत अच्छी बात है कस्टमर के लिए, और दोस्तों वैसे लगातार और 12 महीने मतलब कंटिन्यू 12 महीने करते हो आपको डबल सिर्फ 1 ईयर शॉपिंग चेंज करने से दोस्तों आपको 3 मंथ्स का फ्री प्रोडक्ट मिलता है, 3 महीने का आपको खर्चा नहीं करना पड़ेगा दोस्तों, इतना बड़ा बेनिफिट है कस्टमर के लिए दोस्तों। इसके बाद जैसे कैशबैक आप प्रोडक्ट लेते हो कैशबैक
आप यहाँ पे एक बेस्ट पर्ट बोल दिया, यहाँ पे कस्टमर नहीं है, आप यहाँ पे रजिस्टर होते हो कंसल्टेंट करके, कष्ट कर करके मगर वो नहीं है कंसल्टेंट, आपको एक विरोध मिलता है कंसल्टेंट। शुरुआत में आपको 7% से लेके जैसे आपको 7% बढ़ता है बढ़ जाता है तो आपको सीनियर कंसल्टेंट, उसके बाद एसोसिएट सुपरवाइजर, सुपरवाइजर डायरेक्टर, 7% से लेके 16% आपको हर एक स्टेप में आपको अवार्ड जैसे मिल जाते हैं दोस्तों। इसके बाद आपको देखिए यहाँ पे सिंपल तरीके से बताता हूँ, आप समझ लीजिए कि 200 पॉइंट का लगभग 5-10 हज़ार का शॉपिंग कर रहे हो एक महीने में, अभी मई महीने में किया आपने, आपको तभी 7% में रहेगी लगभग 378 आसपास आपको कैशबैक आएगा, अभी तक नहीं आता। समझ लीजिए सेम अमाउंट का नेक्स्ट जून में जाके शॉपिंग कर रहे हैं आप, तभी ऑटोमेटिक जो लास्ट मंथ का पॉइंट्स और ये मंथ का पॉइंट्स भी काउंट हो जाएगा, लेकिन नेक्स्ट मंथ का जो काउंट में आपको सीधे 10% का कमीशन लगभग 500 प्लस। देखिए ये जो हम लोग डिस्काउंट मिलता था, अभी शायद जो मॉल में वगैरह जाते थे हम लोग क्या अकेले जाते थे, नहीं नीता आजा, गीता आजा, सीता आजा वगैरह लेके जाते थे सबको, वही काम दोस्तों यहाँ पे कीजिए, वही काम यहाँ पे कीजिए। क्या हो गया आप समझो, आपका टीम के साथ गए आप लोगों का यहाँ पे शॉपिंग किया 1000 पॉइंट्स का लगभग, तो आपको दोस्तों देखिए लगभग 2700 रुपीज का कैश बैक आएगा। वैसे सेकेंड मंथ में भी सेम अमाउंट के किया 3400 प्लस, थर्ड मंथ में भी किया 4000 प्लस। देखिए हर महीना आपका इनकम बढ़ रहा है, इनकम बढ़ रहा है, शॉपिंग सेम टू सेम कर रहे हैं फिर भी आपका इनकम बढ़ रहा है दोस्तों। और उसके बाद जैसे मैं वहां पे 7% में आपको समझ लीजिए 10% जंप मार रहे हैं, 10% से डायरेक्ट स्पेशल, तो दोस्तों यहाँ पे कंपनी ने आप स्पेशल डिस्काउंट दिया हुआ है, आपको 300 पॉइंट नहीं करना पड़ेगा, आपको इवन सिंगल मंथ में आप 240 पॉइंट्स का शॉपिंग करते हो एक तो 60 पॉइंट्स का डिस्काउंट दे रहे हैं, साथ साथ में आपको 10% कमीशन तो एक्स्ट्रा मिलेगा, और साथ साथ में 750 रुपीज का कंपनी तरफ से फ्री गिफ्ट, फ्री प्रोडक्ट दिया जाता है 1 रुपए में दोस्तों। वही काम आप सिर्फ 3 लोगों को भी करते हो तो आपको 900 प्लस का प्रोडक्ट। और दोस्तों इतना ही नहीं, यहाँ पे लीडरशिप आपको एक ये मिल जाता है, जैसे आप 16% पहुंचते हो आपको एक डायरेक्टर पोस्ट मिल जाता है दोस्तों, बहुत प्राउड फील होता है डायरेक्टर। आपको जो वो पोस्ट मिला वही पोस्ट में किसी को भी एक जन को भी आप लेकर आते हो तब भी आपको सीनियर डायरेक्टर क्वालिफिकेशन, वैसे करते करते आपको कंपनी के टॉप लेवल जाने के लिए, आपको टॉप लेवल जाने के लिए आपको सिर्फ एंड सिर्फ 14 लोग चाहिए, 14 लोग। हमारा हिंदुस्तान का आबादी कितना, 140 करोड़ है, 140 लगभग 140 करोड़, आप सोच लीजिए 14 जो लोग बोले थे लगभग 10 करोड़ में एक जन भी आएगा तो भी आपका ये टॉप लेवल पे जा सकते, 10 करोड़ में एक जन भी, इतना बड़ा मार्केट ओपन है दोस्तों, क्योंकि अभी तक हमारा 1 करोड़ भी नहीं पहुंचा ये सिस्टम में दोस्तों। और दोस्तों देखिए एक डायरेक्टर बोनस, क्योंकि जॉब जिधर भी जॉब करो वहां पे सिर्फ पगार या बोनस कुछ मिलता है, लेकिन यहाँ पे देखिए कंपनी का नेचुरल टर्नओवर मतलब उसमें जो फुल बीवी पूल उसमें से 4% आप डायरेक्टर क्वालिफाई करते हो, वहां पे कुछ क्राइटेरिया वो क्वालिफाई करते हो आपको 4% डायरेक्टर फुल ओनली एंड ओनली डायरेक्टर लोगों को भी मिलता है दोस्तों। ये बहुत अच्छी बात है, जो भी डायरेक्टर आ जाते हैं उसको स्टार्टिंग से इतना बड़ा है, उसके बाद आप जो डायरेक्टर लेवल पहुंच गए अभी समझ लीजिए उसके बाद एक किसी को भी एक जन को भी आप डायरेक्टर पहुंचाते हो वो लेवल पे, क्योंकि क्यों इतना सक्सेस कराते हो तो आपको कंपनी तरफ से टीम बिल्डर बोनस करके 14% मिलता है दोस्तों, 14%। साथ साथ में वो जो बंदे को आप लीडर बनाते हो इनकेस आपको उसको लीडर लगभग 1 लाख का बिजनेस पॉइंट्स कराते हो उनसे तो तभी आपको दोस्तों लीडरशिप प्रोडक्टिविटी बोनस, ये बहुत बड़ा इनकम रहता है हमारा पूरा, इसमें 15% हर कोई लीडर ये जो इनकम के लिए ये करता है सपोर्ट करते हैं दोस्तों, 15% बहुत बड़ा इनकम रहता है इसमें से। और ये होने के बाद साथ साथ में दोस्तों आपको गिफ्ट दिया जाता है आपको फॉरेन टूर जाने के लिए, क्योंकि एक बंदे को भी आप सपोर्ट कर रहे हैं आपको एडिशन में यहाँ पे आपको गिफ्ट मिलता है दोस्तों फॉरेन टूर जाने फ्री ऑफ कॉस्ट में, सिर्फ आपको एयरपोर्ट तक जाना है खर्चा आपका, बाकी जो भी विजा से लेकर हर एक चीज कंपनी आपको प्रोवाइड कर दे। सोचिए सिर्फ कुछ शॉप चेंज करने से कितना बेनिफिट। और दोस्तों उसका साथ साथ आप सिर्फ 3 लोगों को भी डायरेक्टरशिप पहुंचाते हो और सिर्फ 3 महीने तक मेंटेन करते हो, उसका बाद आपको जिंदगी भर के लिए आपके अकाउंट में कार फंड, आपको मन चाहे हो कार ले सकते। जैसा मैं स्टार्टिंग में बताया था हर एक का सपना क्या रहता है, पैसा, बहुत सारा पैसा, गाड़ी,
गाड़ी यहाँ पे भी आपको फ्री मिलता है दोस्तों, फ्री मिलता है। अभी हमारा कंपनी लगभग पर डे 5 गाड़ी रजिस्टर कर, 5 गाड़ी, सोचिए कि ये जो सिस्टम में कितना अपने को मौका बहुत बड़ा है। और उसका बाद सिर्फ आप 6 लोगों को भी ये करते हो, सक्सेस कराते हो, जो डायरेक्टर लेवल पहुंचाते हो, इतना बेनिफिट कंपनी के फूल में से जो वो लोग को डायरेक्टर बोनस दिलाते हो, तो आपके लिए जो हर एक का सपना रहता है घर का, हर कोई हिंदुस्तानी का रहता है मेरा खुद का घर होना चाहिए, वो घर के लिए भी कंपनी आपको एक प्रोवाइड कर देते हैं 3%। यहाँ पे भी आपको सिर्फ 3 महीने मेंटेन करना है। आपको यहाँ पे कैपिंग कितना है दोस्तों, 5,000, 10,000, 50,000 नहीं, 1,20,000 तक आपको ये जो ड्रीम फंड आप हाउस फंड ले सकते हो दोस्तों। और उसका बाद धमाकेदार जो समीर मोदी का एक अटूट बंधन का 2% अटूट बंधन दोस्तों, जैसा ये दिखने में छोटा, जैसे अपना दिवाली में पटाखे छोटा रहता है, वो फूटेगा तो बहुत बड़ा, जैसे छोटे छोटे बॉम्ब रहते फूटेगा तो बहुत बड़ा हो जाता है, वैसे ही दोस्तों 2% मतलब 2,000, 20,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख नहीं, बढ़ते 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 21 लाख का दोस्तों, 21 लाख का कैपिंग है इस पे, सोचिए कितना बड़ा है। इनके करना क्या है, सिर्फ एंड सिर्फ आपको 8 लोगों को मदद कीजिए उन्हें सक्सेस बनाने, 8 लोगों को, तो बहुत बड़ा इनकम आप चाहोगे। सोचिए यहाँ पे मैं बार बार बोला, सोच बदले, सिर्फ सोच बदलने से आपका क्या क्या हो सकता है, जो ये सब आप कर ही रहे हो अभी तक, ऐसा नहीं है अलग करना है, कर ही रहे हो, सिर्फ आपने सोच बदल। और दोस्तों यहाँ पे देखिए नोबल प्लस, जो भी अभी सिर्फ पैसा मेरे जेब में आएगा तो मजा नहीं आता, हर एक हिंदुस्तानी का जैसे हमारा गॉडफादर का विजन हुई है, हर एक को बांटो तो इतना अच्छा बढ़िया अपॉर्चुनिटी, हर एक को हम लोग बांटेंगे वो सक्सेस हो जाए तो ब्लेसिंग देंगे, जिंदगी भर ब्लेसिंग देंगे, वो हमारे लिए अच्छा नोबल बिजनेस है दोस्तों। इसको जितना हो सकता है हिंदुस्तान हिंदुस्तान नंबर 1 बनाने के लिए आप और हम मिलके ये बहुत बड़ा इसमें मिशन में आ सकते हैं दोस्तों। अभी तक सिर्फ हम लोग क्या मालूम है, अमीर लोगों को अमीर बनाने का धंधा में रहता है, लेकिन ये थोड़ा आपका सोच बदलिए, बहुत कुछ परिवर्तन हो सकते हैं दोस्तों। और साथ साथ में यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे रजिस्टर आपको अकेले नहीं छोड़ेगा, आप जब तक सक्सेस नहीं होते तब तक आपको सपोर्ट सिस्टम बहुत रहता है, बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम है, समीर मोदी आजाद प्लान करके ये सिस्टम बहुत अच्छा, क्लासरूम में ट्रेनिंग रहता है, और आजकल तो अपना जूम मतलब ऑनलाइन ट्रेनिंग, आपको इवन मोबाइल से टेक्नोलॉजी इतना बढ़ गया, आप घर पे बैठे बैठे हर चीज का इसमें नॉलेज ले सकते बोल रहे। और साथ साथ में बहुत सारा टूल्स मिलता है हमें सीखने के लिए, बुक्स कैसेट वगैरह बहुत सारा टूल्स मिलता है दोस्तों, ये सब इसका फायदा उठाइए, आप बेनिफिट ले लीजिए। और हमारा गॉडफादर क्या बोलते हैं, इतना सारा मिलने के लिए आपको सोच बदल के एक स्टेप आगे रखिए, एक कदम आगे रखोगे आपका साथ मैं 2 कदम आगे रखूंगा दोस्तों, 2 कदम आगे रखूंगा। जैसे मैं स्टार्टिंग में बताया था, ये जो अपना यूनिवर्सिटी ऑक्सफर्ड यूनिवर्सिटी, क्योंकि ऑक्सफर्ड यूनिवर्सिटी में क्या सिखाया जाता है, आप कैसा अमीर हो सकते हो, आप कैसा सक्सेस हो सकते हो, लेकिन ये जो प्लेटफॉर्म हमारा हमारे लिए बना हुआ, आप दूसरे को अमीर बना दो, आपका बारे में चिंता कर, आप अपना आप अमीर बनाओगे। तो ये इतना बोल के मैं मेरा प्रेजेंटेशन यहाँ पे समाप्त करता हूँ, और थैंक यू सो मच, थैंक यू इतना बड़ा प्लेटफॉर्म में मुझे बोलने के लिए मौका दिया, थैंक यू गुरु माँ, थैंक यू सबको, सब लीडर्स को, थैंक यू सो मच, ओवर टू प्रथमेश सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, वाव दैट वाज अमेजिंग, थैंक यू सो मच, आपने कितनी सरलता और सहज तरीके से समझाया कि व्हाई दिस परिवर्तन इज रिक्वायर्ड, क्यों हमें परिवर्तन जरूरी है दोस्तों, राइट, सो क्यों ना हो जरूरी, जिस परिवर्तन को चेंज करने से हमारी लाइफ में इतना बड़ा चेंज आ जाता है, हमारे जो ड्रीम्स होते हैं, हमारे जो सपने होते हैं, अगर इस छोटी सी चेंज से अगर वो अचीव हो जाए तो क्यों ना हमें चेंज लाए दोस्तों। ये चेंज मैंने 6 महीने पहले लाया, राइट, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि मैंने अपनी वाइफ को सपोर्ट नहीं किया इस बिजनेस के लिए, आई डिडंट डिस्करेज हर, बट मैंने उन्हें सपोर्ट भी नहीं किया, लेकिन जब वो पैसा देखा तो मेरे में वो चेंज आया, बिकॉज मुझे चाहिए था पैसिव इनकम फ्रेंड्स। आज मेरी जो भी 1-1.5 लाख की मेरी सैलरी है वो तब बंद हो जाएगी जब मैं काम नहीं करूंगा, एंड दैट वाज अ बिग टेंशन, बिग डिप्रेशन फॉर मी, बट मेरे जाने के बाद क्या फ्रेंड्स, इसलिए मैंने इस मोदी केयर को चूज किया। सो परिवर्तन इज रिक्वायर्ड दोस्तों, और माइंडसेट का बिजनेस है दोस्तों। वरिष्ठ सर आपने बहुत अच्छा कहा, देयर वाज अ नारा, हम दो हमारे 12,
देन उसके बाद आया हम दो हमारे दो, देन हम दो हमारे एक, और फिर हम दो। बस दोस्तों ये भी एक चेंज है, ये भी एक परिवर्तन है, क्योंकि परिवर्तन प्रकृति का नियम है दोस्तों। कभी कभी हमें कभी कभी उसे खुद अपना लेना चाहिए, या तो प्रकृति हमें उसे फोर्सफुल्ली अपनाती है दोस्तों। तो फोर्सफुल्ली मत होने दीजिए, उसे मन रहते अपना लीजिए दोस्तों। एक छोटी सी मैं एक बात कहूंगा, बहुत कम लोगों को पता होगा दोस्तों इसी परिवर्तन के बारे में। सचिन तेंदुलकर के बारे में आप सब जानते होंगे, लेकिन आपको बहुत कम लोगों को पता होगा उनको वो अपने बैटिंग के लिए फेमस है। उन्हें बैट्समैन को भगवान कहा जाता है इंडिया में दोस्तों। जब उन्होंने क्रिकेट शुरू किया था तो ही वांटेड टू बी अ बॉलर, एक्चुअली ही वांटेड टू बी अ बॉलर। सोचिए आप, एक बैट्समैन जिसने 18,000 रन बना दिए वनडे में, टेस्ट में उन्होंने 15,000 रन बना दिया, अगर एक बॉलर होता तो क्या करता दोस्तों? परिवर्तन। उनको एक सर ने कहा कि नहीं, आपका जो स्टाइल है, आपका जो एटीट्यूड है, उसके हिसाब से आपको बैट्समैन बनना चाहिए, ना कि बॉलर। अगर वो चेंज नहीं किया होता उन्होंने, तो आज उनका नाम कहीं नहीं होता, राइट? नोकिया के बारे में आपने सुना होगा दोस्तों, नोकिया ने परिवर्तन नहीं किया, आज आप नोकिया को जानते भी नहीं हो, राइट? बिकॉज देयर वाज अ एरा जब नोकिया पूरे सेलुलर इंडस्ट्री में छाया हुआ था, राइट? दैट वाज द बेस्ट फोन अवेलेबल, हैंडसेट, लेकिन उसने एंड्रॉइड को एक्सेप्ट नहीं किया। एंड आज देखिए नोकिया का नाम कहीं नहीं है। ऑफ कोर्स माइक्रोसॉफ्ट ने उसको टेक ओवर किया, लेकिन आज कहीं नहीं है उसका नाम दोस्तों। तो ये परिवर्तन बहुत जरूरी है। सो इसी को आगे बढ़ाते हुए दोस्तों, आज हमारे साथ एक बहुत ही बड़े लीडर हैं, जिनके बारे में मैं इतना ही कहूंगा कि उनके पति एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे, राइट? करोड़ों का टर्नओवर था, लाखों का उनका इनकम था, लेकिन इस मैडम को चाहिए था सेल्फ आइडेंटिटी। इतना सब होने के बावजूद इन्होंने सेल्फ आइडेंटिटी के लिए इस बिजनेस को चूज किया, वो परिवर्तन लाए, अपने माइंडसेट को चेंज किया, एंड टुडे शी इज अर्निंग 10 लाख प्लस इनकम इन दिस बिजनेस। वो जीबीडी है हमारे इस बिजनेस में। सो दोस्तों, ऐसी शख्सियत को मिलने के लिए हम सब उतावले ऑफ कोर्स होंगे। तो लेट्स वेलकम अपनी तालियों के साथ मिसेस फाल्गुनी त्रिवेदी जी को। वेलकम मैम, वेलकम, ओवर टू यू मैम। थैंक यू सो मच विश्वनाथ सर, प्रथमेश सर, बहुत ही बढ़िया तरीके से आप लोगों ने माहौल बना दिया है सर। ये 21 डेज की कमांडो ट्रेनिंग जो चल रही है, आई रियली फील प्राउड कि मैं इसमें पार्टिसिपेट कर रही हूँ और मुझे मौका मिला है इसमें अटेंड करने का। सर दिलीप सर, बहुत बढ़िया तरीके से आपने इसको शुरू करा, बहुत अच्छे से आपने अच्छे से उसकी शुरुआत कर ली। प्रथमेश सर, आपने बहुत बढ़िया तरीके से ना स्टार्टअप जो होता है ना, उसको कैसे गियर अप करते हैं, फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, थर्ड गियर, सर थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया रहा। हरीश सरवाना सर, आपने तो बहुत ही अच्छे से प्रेजेंटेशन किया सर। कुछ पॉइंट्स मुझे भी नए सीखने को मिले हैं आज बहुत अच्छी तरीके से। जैसे लॉकडाउन में सेकंड अपॉर्चुनिटी, सर सबका, हम लोग सबका ये कॉमन चीज है कि सेकंड इनकम इज रियली 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 मस्ट आज के जमाने में, वो बहुत जरूरी है। उसके बाद सर हम लोगों ने देखा कि आपने जो बताया कि हम दो हमारे दो तक तो हमको सबको पता था, पर हम दो और हम ही दो ये नहीं पता था सर। थैंक यू सो मच, ये अभी आज के जमाने की रिक्वायरमेंट हो गई कि कैसे अपने बच्चों को अगर कर भी रहे हैं तो कैसे उनको आगे लेके जाए, उनकी सक्सेस का किसी के पास कोई ऑप्शन नहीं है कहाँ पे लेके जाएंगे। सिर्फ पढ़ाई वो जरिया ही नहीं है कि पढ़े लिखे इंसान सक्सेस होती है, ये भी दोस्तों आज के जमाने में पॉसिबल नहीं है। सर ने बहुत अच्छे से बताया कि इस अपॉर्चुनिटी को क्यों करना है, राइट? उसके बाद दोस्तों ये आजादी टर्निंग पॉइंट है दोस्तों, बहुत समझने वाली बात है। ये छोटा सा वर्ड उन्होंने बता दिया कि आजादी प्लान जो है वो हमारा टर्निंग पॉइंट है, पर दोस्तों इसको समझ लो तभी ये टर्निंग पॉइंट है। बहुत सारे लोगों की लाइफ में आता है, लेकिन टर्निंग पॉइंट उन्हीं की लाइफ में आता है जो अपने आप को इसमें समझ कर काम करना शुरू करते हैं। बहुत बढ़िया सर, ड्रीम के साथ कनेक्ट किया, एक्सपीरियंस को यहाँ पर जरूरी नहीं है, फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए समीर सर ने हमें ये प्रोग्राम दिया है सर, बहुत अच्छे से लिया। ये जनरेशन प्लान है, समीर सर ने यहाँ पे जो बड़ी सोच का जादू दिखाया है उसको हमें ग्रैब करना है। सर आपने ये भी बताया कि हमारी कंपनी ही हमारा हिसाब रखती है, जैसे हम लॉयल्टी के बेनिफिट्स लेंगे तो किसी और जगह पे जाके हम आज सामान खरीदा भूल जाएंगे, लेकिन कंपनी हिसाब रख के यहाँ से सामान खरीद तो आपके लिए प्लस पॉइंट रखती है कि आपका 3 महीने का राशन वो फ्री करती है। बहुत बढ़िया सर, ये बहुत अच्छे पॉइंट्स लगे मुझे। और एक चीज था सर, 10 करोड़ लोगों में सिर्फ 1 बंदे को सक्सेस बनाना है,
और उसी को लेके आप चलोगे तो 14 लोग मिलना कोई मुश्किल बात नहीं है। ये रेशियो तो सर बहुत बड़ा था, 10 करोड़ में एक बंदा मिल जाएगा सर, और किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हर 10 करोड़ में मैं अगर एक हूं तो आप भी एक हो, और आप अपने आप को अगर साबित करना चाहते हो तो ये जरूर सक्सेस हो सकता है। सर बहुत बढ़िया रहा, एवरी बोनस आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया सर। हर एक को पैसा बढ़ता है तो बिजनेस बढ़ता है सर। ये जो है कि अमीर को सोच अमीर बनाने वाले बहुत सारे बिजनेस हैं, जहां अगर आपके पास स्किल है तो डेफिनेटली आप ग्रो कर जाओगे, लेकिन यहाँ पर सपोर्टिव सिस्टम से हम आगे बढ़ते हैं और बहुत अच्छे से मिलजुल के विन विन सिचुएशन में सब ग्रो करते हैं सर। ये बहुत ही की पॉइंट्स रहे, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया तरीके से सर आपने परिवर्तन को प्रेजेंट किया। थैंक यू सो मच एंटायर टीम। यहाँ पर मैं अनिल गावड़े सर एंड टीम का बहुत 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 शुक्रिया करना चाहूंगी जिन्होंने ये बीड़ा उठाया है। हम लोग सुनते थे सर कि ये 21 डेज की कमांडो ट्रेनिंग चल रही है। अब कमांडो वर्ड ना छप जाता है दिमाग में कि यार बहुत बढ़िया, कमांडो तो होनी चाहिए, कमांडो होनी चाहिए। लीडर से बढ़ के ये स्टेप है, कमांडो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। तो दोस्तों ये चीज हमें पता थी, लेकिन कहाँ पे कैसे मिलेगा ये नहीं पता था। कुछ करना चाहते थे लेकिन गाइडलाइन नहीं मिल रही थी, तो अनिल गावड़े सर आपने ये बहुत अच्छे से हम लोगों को ये पूरा मौका दिया है एंटायर इंडिया पैन पे, मोदी केयर इंडिया को, कि ये हम लोग सीख पाए। थैंक यू सो मच अनिल गावड़े सर एंड टीम, आप लोगों ने बहुत अच्छा बीड़ा बिठाया उठाया है। और मैं सुरेखा मैम को शत-शत नमन करूंगी जिन्होंने इस चीज को समझा और हम तक पहुंचाने के लिए एफर्ट डाले। थैंक यू सो मच। हर बच्चा ना बिना जब बोलता भी नहीं है ना, तब वो जो कुछ भी चाहता है ना वो माँ समझ जाती है, और वही रोल प्ले कर रहे हैं हमारे सुरेखा मैम। जो चीजों की जरूरत होती है ना हमेशा वो उसको लाकर दे देते हैं, खड़े हो जाते हैं हमारे साथ। उनको हमेशा ये पता होता है हमें चाहिए क्या, और वो हमें वो दिलाने में सपोर्ट करते हैं। थैंक यू सो मच सुरेखा मैम एंड निशांत सर, आपने इस लीप प्लेटफॉर्म को बनाकर हमें ये 21 डेज की कमांडो ट्रेनिंग दी है सर। थैंक यू सो मच दोस्तों, बहुत बढ़िया से चल रहा है। दोस्तों ये मोदी केयर का प्लेटफॉर्म है, सोच को बड़ा करने का प्लेटफॉर्म है। अगर जिंदगी में बड़ा पाना चाहते हो ना तो आपको अपने आप की सोच को बड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि छोटी सोच और पांव की मोच मनुष्य को, इंसान को कभी आगे नहीं बढ़ने देती। तो दोस्तों इस परिवर्तन के साथ हम लोग आज मोदी केयर के प्लेटफॉर्म में आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों इंसान को बड़ी सफलता दिलाने के लिए कोई भी बंदा जो चुनाव करता है, अपने सही प्लेटफॉर्म को सिलेक्ट करता है, तो कौन सा प्लेटफॉर्म सिलेक्ट करना चाहिए ये बाय डिफॉल्ट अगर मोदी केयर में कोई आएगा ना उसको समझ में आ जाएगा। आप सबको, हम सबको पता है दोस्तों कि रिक्शा का चुनाव करने से कोई करोड़पति नहीं बन सकता, लेकिन ओयो जैसी नेटवर्क सिस्टम को सपोर्ट करने से कोई भी बंदा करोड़पति बन सकता है। ये नेटवर्क बिजनेस, एक सिंगल रिक्शा चलाने से ओयो तक का नेटवर्क बनाने का बिजनेस है। दोस्तों बड़ा पैसा कमाना चाहते हो, नेटवर्क बनाना पड़ेगा। परिवर्तन का मतलब ही है कि हमें कुछ अपने आप में चेंज लाना पड़ेगा, राइट? और दोस्तों जब आज हम जो पोजीशन पे है ना, हम सब यहाँ पे जितने भी लोग इसको अटेंड कर रहे हैं, हम सबको पता है कि हम आज जो पोजीशन पे हैं, हमारा जो स्टेटस है, हम जो लाइफ जी रहे हैं ना, वो हमारे आज तक के डिसीजन की वजह से है। लेकिन जिस दिन आप अपनी सोच को बड़ा करते हो, अपने आप में परिवर्तन लाते हो दोस्तों, अपनी सोच को चेंज करते हो, तो दोस्तों आप वो बन जाओगे जो आप पाना चाहते हो, जो आप लाइफ में बनना चाहते हो। तो दोस्तों समझकर, हमें समझकर कुछ नया करने के लिए अपनी लाइफ में परिवर्तन को लाना बहुत जरूरी है। दोस्तों जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन अगर लाना आ गया ना, तो आप परिवर्तन ही संसार का नियम है उस कैटेगरी में अपने आप को साबित करोगे। दोस्तों चेंज इज ओनली अ कांस्टेंट, हमेशा परिवर्तन ही ऐसा है जो कांस्टेंट है, तो हमें उसमें अपने आप को तो ढालना ही पड़ेगा। दोस्तों मैं थैंक्स करना चाहूंगी वापस से एंटायर मैनेजमेंट टीम, समीर मोदी सर, सुरेखा मैम एंड एवरी इंडिया की पूरी लीडरशिप का थैंक यू करना चाहूंगी जिन्होंने ये अपना फ्रूटफुल और बेनिफिशियल जो हमारा प्रोग्राम है उसको अरेंज करने के लिए मैडम ने हमें सपोर्ट किया और हम सब पार्टिसिपेट करके उसमें रोल प्ले कर रहे हैं। दोस्तों मैं थैंक्स कहना चाहूंगी मेरे मेंटर, मेरे अपलाइन, मेरे गुरु मिस्टर अल्पेश गज्जर सर को, जिन्होंने इस अपॉर्चुनिटी के बारे में मुझे बताया, मुझे विश्वास दिलाया, फाल्गुनी मैम आप कर सकते हो, आप में वो पोटेंशियल है। दोस्तों एक ही बंदा ना इस बिजनेस में हमें सपोर्ट करता है और वो होता है हमारा अपलाइन, जो हमें ये बताता है कि आप कैपेबल हो, आप ये कर सकते हो। पूरी दुनिया जब टांग खींचती है ना, तब एक ही बंदा हमें सपोर्ट करता है,
तुम कर सकते हो, आप कर सकते हो, आप कर सकते हो, बस ये विश्वास हम में मुझ में जगाया अल्पेश गज्जर सर ने, मुझ में और मेरी एंटायर टीम में दोस्तों, उनके सपोर्ट से, उनके गाइडलाइन से आज हम सभी इस प्लेटफॉर्म तक पहुंचे हैं दोस्तों। मैं ये बताना चाहूंगी कि अगर मैं यहाँ पर इस बिजनेस में हूं, मैंने जो सक्सेस पाई है तो उनकी वजह क्या है। सबसे पहला मुझे ये मौका दिया गया, मैंने इस मुझे ये प्लेटफॉर्म समीर सर के माध्यम से मिला। दोस्तों सही प्लेटफॉर्म ही ना हमें ऊपर तक लेके आता है। चुनाव सही होना बहुत जरूरी है, वो चुनाव हमारे लिए ऑलरेडी लीडर कर चुके हैं। हमें ये पूरा सिस्टम दिया गया है। दोस्तों मैं अपनी बात करूं, फाल्गुनी धर्मेश त्रिवेदी बड़ौदा से बिलोंग करती हूँ, गुजरात से, एक सिंपल सी हाउसवाइफ थी। हस्बैंड एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उनकी खुद की फैक्ट्री थी, करोड़ों का टर्नओवर था, लाखों में घर में इनकम आ रही थी। तो पैसों के लिए कुछ करूं ये मेरी वजह नहीं थी, लेकिन क्योंकि 40 साल की उम्र तक अंदर एक छोटा सा पिंच आउट हो रहा था, मुझे अपने लिए कुछ करना है, अपने लिए कुछ करना है, अपने लिए कुछ करना है, लेकिन क्या वो पता नहीं था, बिकॉज आई एम नॉट स्किल्ड। मैं किसी चीज में मास्टर नहीं थी, मुझे किसी चीज का पता नहीं था कि मैं क्या कर पाऊंगी। ट्रेडिशनल मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करके कुछ करना अगर चाहूं तो बहुत बड़ा रिस्क था। हस्बैंड के लिए पैसे लगाने के लिए रेडी थे मेरे लिए, लेकिन मैं वो रिस्क लेने के लिए रेडी नहीं थी। हस्बैंड ने शुरुआत में मुझे ये बताया, फाल्गुनी ये बिजनेस साबुन शैम्पू में आप चले जाओगे कुछ नहीं मिलेगा, ऐसा उनका बिलीव था। लेकिन जब मैंने इस बिजनेस को देखा था, समझा था दोस्तों, तो पूरी तरह से समझा था कि यही वो जगह है जहां मुझे पैसे नहीं लगाना, ना मुझे अपनी स्किल को डेवलप मतलब स्किल चाहिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, मुझे मेरी स्किल को डेवलप करना है। और अगर कोई सिखाएगा तो मुझे ये पता है कि मैं होशियार शायद ना हो पाऊं, लेकिन मैं बुद्धू भी नहीं हूं, मैं डफोर नहीं हूं, मैं बुद्धू नहीं हूं, मैं सीख सकती हूं और मैं सीखने के लिए रेडी हो गई दोस्तों। इस बिजनेस को करने का डिसीजन लिया, शुरू करा। हस्बैंड ने ऑपोज भी नहीं किया, ये बहुत अच्छा था, मुझे उनके सपोर्ट की जरूरत नहीं थी क्योंकि बिजनेस मुझे करना था, ये डिसीजन मेरा था, मुझे ये बिजनेस को करना है। मैंने बोला सर, मतलब हस्बैंड को, कि आप मुझे सपोर्ट नहीं करोगे चलेगा, मुझे ऑपोज मत करो, और उन्होंने मेरी ये बात मानी। सबसे प्लस पॉइंट, मेरा टर्निंग पॉइंट यही रहा दोस्तों, इस बिजनेस को करना शुरू करा और यहाँ पे अपनी पहचान जो बनानी थी, 40 साल की उम्र में इसको मैंने लिया। आज एट द एज ऑफ 47 मैं इस बिजनेस में एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन चुकी हूँ दोस्तों। हस्बैंड अच्छा खासा कमाते थे, मैं आपको बताना चाहूंगी अगर मैं भूल जाऊं उससे पहले, कि आज वो मेरे साथ फैक्ट्री वाइंड अप करके फुल टाइम मोदी केयर कर रहे हैं, क्योंकि गलती से उन्होंने मुझे एक बार पूछ लिया, फाल्गुनी कितना कमा लेगी, कितनी मेहनत कर रही है तू, कितना कमा लेगी। मेरे मुंह में उस दिन सरस्वती आए थे और मैंने बताया था उनको कि सर आपके जितना, और वो आपके जितना 5 साल में 100% टर्न आउट हो गया। आज 7 साल मुझे कंप्लीट हुए हैं इस बिजनेस में और मैं बहुत अच्छी इनकम के, वो जो कमाते थे ना उनसे डबल इनकम तक पहुंच चुकी हूँ दोस्तों। तो हम दोनों ने मिलकर ये डिसीजन लिया है, हम दोनों इस बिजनेस को फुल टाइम करेंगे। दोस्तों मैंने जब इस बिजनेस को सिलेक्ट किया, मुझे सबसे पहला रिस्क नहीं था और प्रोडक्ट बहुत अच्छे लगे, तो मुझे ये भी जज्बा था कि मैं अपने देश के लिए कुछ करूं। जब समीर सर अपने लिए कुछ इतना कुछ कर रहे हैं, तो मैं भी अपने देश के लिए इतने अच्छे प्रोडक्ट जो लोगों को नहीं पता, मुझे उन तक पहुंचाने चाहिए और एटलीस्ट मेरे नियर डियर तक मुझे जाना था। तो दोस्तों मैंने वो काम करना शुरू करा, लेकिन एज वी ऑल नो, सक्सेस कभी फ्री में नहीं मिलती दोस्तों, और ये जो सक्सेस कभी फ्री में नहीं मिलती ना, तो उसकी कीमत तो चुकानी पड़ती है। सिंपल सी हाउसवाइफ थी, शुरू करा, कोई एक्सपीरियंस नहीं था, ना कोई पैसा लगाया था, लेकिन दोस्तों एक जज्बा था, पैशन बहुत था, राइट। तो यहाँ पर मुझे बिजनेस को करने के लिए 18 घंटे काम करना पड़े, मैंने करना शुरू करा। मेरे घर से थोड़ा बहुत, मेरी मम्मी जी का, मेरे सासू माँ का मुझे सपोर्ट मिल गया। तो ये बिजनेस ना हमेशा फैमिली को साथ लेके करना शुरू करना चाहिए, ये मेरा स्ट्रॉन्ग बिलीफ है। मेरी सासू माँ मुझे सपोर्ट करती थी, मैंने इस बिजनेस को शुरू करा, मेरे बच्चों ने मुझे सपोर्ट करना शुरू किया, वो सब सेक्रीफाइस देना शुरू हुआ। कैसे सेक्रीफाइस? बच्चों के बर्थडे पे मैं प्रेजेंट नहीं हो सकती थी, किसी सोशल फंक्शन में मैं नहीं जा पाती थी, मेरे सेमिनार होते थे, मैंने प्रायोरिटी इसी चीज को देना शुरू करा, इस बिजनेस को, जिसमें मुझे फैमिली का सपोर्ट मिला। कोई बात नहीं फाल्गुनी, अगर सक्सेस पाना चाहते हो तो छोटे छोटे सेक्रीफाइस देने पड़ेंगे, लेकिन दोस्तों मुझे वो चुपता था एज अ लेडी, वो मैं किसका टाइम चुरा रही हूँ, मेरे बच्चों का, मेरे हस्बैंड का, मेरा खुद का, मेरे फैमिली का टाइम मैं चुरा कर इस बिजनेस को दे रही हूँ। तो फिर एक जिद थी कि मुझे किसी भी हाल में इसमें सक्सेस पानी है, और उसमें मुझे सपोर्ट किया समीर मोदी जी ने और हमारे इस
प्लान ने, मैंने जितने सेक्रीफाइस किए उसे रिवॉर्ड किया गया, मोदी केयर ने मुझे रिवॉर्ड दिए और उस रिवॉर्ड, मनी इज द बिगेस्ट मोटिवेटर दोस्तों, मुझे इस बिजनेस को करने में बढ़ चढ़ के जो रिवॉर्ड मिलते गए, मेरा 100 रुपए का चेक कब 500 में कन्वर्ट हो गया, 500 से 5000, 5000 से 50000 के बाद लाख, और आज की बात करूं दोस्तों 8 से 10 लाख की इनकम पर मंथ इन पेंडेमिक सिचुएशन एज अ लेडी आफ्टर 40 ईयर बिजनेस स्टार्ट करने के बाद मुझे मिल रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ एक सही पॉजिटिव डिसीजन और सही प्लेटफॉर्म को सिलेक्ट करने का नतीजा है दोस्तों। सिर्फ मैंने ये पैसा कमाया ऐसा नहीं है, मेरे साथ मेरी एंटायर टीम में 1 लाख से ज्यादा कमाने वाले 25 से अधिक लोग हैं जो कमा रहे हैं, बाकी 5-6 लाख रुपए कमाना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत सारे लोग इस बिजनेस में मेरे साथ कमा ही रहे हैं दोस्तों। तो मेरी पूरी टीम को हम सब ने मिलकर करा, 9 फॉरेन टूर करी वो बड़ी बात नहीं है, मेरे साथ 300 से ज्यादा लोग बहुत बड़े फॉरेन टूर पहली बार कर चुके हैं और इतना एंजॉय करा है ना, तो उसकी तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती, उतना एंजॉय कर रहे हैं इस बिजनेस को। कभी कभी ना मेरी बेटी मुझे बोलती है, मम्मा आप क्यों इस बिजनेस में सक्सेसफुल हो आपको पता है? मैंने कहा क्यों बच्चा? बोल रही आपका पैशन और आपका प्रोफेशन दोनों एक है, ये चीज करना आपको अच्छा लगता है। दोस्तों मैं सही बता रही हूँ, इस बिजनेस को ना लाइकिंग मोड में डालिए, मोदी केयर को प्यार करिए, प्रेम कीजिए। अगर आप प्यार करोगे ना तो ये बिजनेस आपको इतना अच्छा लगेगा, आप अपना पूरा टाइम इसके साथ स्पेंड करना चाहोगे और जितना टाइम जिसके साथ स्पेंड करोगे ना उतना ही अच्छा बॉन्डिंग होगा, जितना बॉन्डिंग होगा आपको सक्सेस उतनी ही जल्दी इसमें हर चीज में मिलेगी। तो दोस्तों मैंने और मेरी टीम ने बहुत अच्छे से इस बिजनेस को प्यार किया है, हम लोग जी नहीं सकते मोदी केयर के बगैर, ये हमारा पूरा एक सिस्टम बन चुका है दोस्तों। एक और चीज बताना चाहूंगी, मोदी केयर के सिस्टम को हम 100% फॉलो करते हैं, ट्रेनिंग मीटिंग सेमिनार, हमें अल्पेश गज्जर सर ने एक चीज सिखाई है कि अगर ट्रेनिंग मीटिंग सेमिनार को ज्यादा तवज्जो दी गई, ये 21 डेज की जो ट्रेनिंग है, मेरी बेटी की शादी करी मैंने ये 20 तारीख को अभी, लेकिन उसके बावजूद मैं रात को सोने से पहले एक जो अपना घंटा देना होता था वो 100% मुझे देना ही है। ये कमिटमेंट मेरा नहीं, मेरी एंटायर टीम का है, जो ये सक्सेस का राज है। 100% फॉलो किया है दोस्तों, डेवलप किया इस बिजनेस को और करवाया, सीखा और सीखना भी सिखाया दोस्तों। सिर्फ सीखने से ही बिजनेस नहीं होगा, आपको कैसे सिखाना है ये भी सिखाना पड़ेगा, अपनी टीम को जिम्मेदारियां लेना और जिम्मेदारियां लेना सिखाना पड़ेगा दोस्तों। अगर सक्सेसफुल होना चाहते हो 100% तो सक्सेसफुल लीडरों को फॉलो करना पड़ेगा। हमने वो सारी चीजें करी, मैंने एंटायर मेरी टीम ने 100% सक्सेसफुल लीडरों को फॉलो किया, मेहनत जबरदस्त करी, कभी पीछे मुड़के नहीं देखा, लेकिन उसके सामने जो चैलेंजेस आए जो फेस किए ना तो रिवॉर्ड भी उतने बढ़िया हमको मिलने गए। कभी हार ना मानने का जज्बा रखा, जीतने का जज्बा रखा, क्योंकि दोस्तों नेटवर्क में आने के बाद ये पता चला कि मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत है, और उसको फोकस किया, फॉलो किया। कोई भी लक्ष्य ना मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं होता, तो साहस तो करना पड़ेगा दोस्तों, हमें अपने आप को झोंकना पड़ेगा इस बिजनेस में। हम बहुत सारी जगह पे साहस करते हैं, किसी से प्यार करने में बच्चे साहस करते हैं, एक बीवी अननोन बंदे को ब्याह कर घर आ जाती है कितना बड़ा साहस करती है, आप भी किसी अनजान लेडी को घर में ब्याह कर ले आते हो कितना बड़ा साहस करते हो। तो ये पूरी लाइफ की बात है दोस्तों, साहस करोगे तो बहुत बड़ा पाओगे, लेकिन उसके साथ साथ आपके माइंडसेट में ये होना जरूरी है आप क्यों कर रहे हो। बिना लक्ष्य ये बिजनेस नहीं होता दोस्तों, लक्ष्य का पाना बहुत जरूरी है, सोच बड़ी रखो दोस्तों। हम लोग हर पहली तारीख को 1 जनवरी हमारा फिक्स्ड डेट है, मैं ये बताना चाहूंगी आप सबके साथ शेयर करना चाहूंगी, 1 जनवरी हमारे बड़ोड़ा का सबसे बड़ा कमाटी गार्डन सयाजी गार्डन है, वहां पर हम लोग एक ओपन मीटिंग रखते हैं, वहां सब मिलते हैं और बड़े लक्ष्य की बड़ी सोच की उस दिन डिसाइड करते हैं। जो बंदा आज जुड़ा है उससे लेके मेरे तक जो जीबीडी लेवल तक पहुंच चुकी हूं या मेरे और 3 जीबीडीज हैं वहां तक पहुंच चुके हैं हम लोग, तो वो सब अपने लक्ष्य को उस दिन निर्धारित करते हैं, ये मंथ में ये साल में हम आगे क्या करेंगे, ये हमारा उसी दिन डिसाइड होता है 1 जनवरी को, और 31 दिसंबर को 31 दिसंबर को हम वो पा लेते हैं। तो बड़ा लक्ष्य हम पूरे साल का लेते हैं जो हम लोग सब करते हैं दोस्तों। इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपने जो सोचा वो करोगे कैसे, लक्ष्य तो पा लिया लेकिन वो कैसे होगा हम ये कभी नहीं सोचते, नहीं होगा, हम हमेशा ये सोचना है
कैसे होगा। तो दोस्तों ये कैसे होगा में अपनी स्किल को इम्प्रूव करना है, लेकिन सिर्फ स्किल इंप्रूव होने से कुछ नहीं होता, अपनी विल पावर को इम्प्रूव करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बिजनेस का ग्राफ ना बिजनेस है, हमेशा ऊपर नीचे होता रहता है दोस्तों। तो जब भी हम गिर जाते हैं ना, तब हमारी स्किल होती है ना वो तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी है ही, पर वो विल होती है हमारी जो हमें बार बार ये कहेगी, बच्चा उठ फिर खड़ा हो, एक बार उठ फिर खड़ा हो, और हम लोगों में वो हौसला बन जाता है। तो अपनी स्किल के साथ अपनी विल को एक्स्ट्राऑर्डिनरी करना बहुत जरूरी है। हम उठ खड़े होते हैं और लगातार कॉन्स्टेंटली कंसिस्टेंसी से अगर कोशिश करोगे तो हार हो ही नहीं सकती, जीत आपका रास्ता बनती है, हार आपका रास्ता बनती है, जीत हमारी मंजिल तक हमें पहुंचा के ही रहती है। दोस्तों हमें पता है कॉन्स्टेंट कंसिस्टेंसी क्या चीज होती है, एक पानी की बूंद भी ना हमेशा अगर किसी एक जगह पर गिरती है तो वो पत्थर को तोड़ देती है दोस्तों। तो हमें उस चीज को हमेशा याद रखना है, कंसिस्टेंसी को छोड़ना नहीं है, डेली 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 रोज 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 मैसिव एक्शन करने हैं। हमें लीडर सिखाते हैं मैसिव एक्शन डेली, हमें पागल बनना है, MAD मैसिव एक्शन डेली करना ही है, अपने आप पे भरोसा करना है, अपने पॉजिटिव एटीट्यूड को रखना है, बिलीव इन योरसेल्फ, बिलीव इन गॉड, बिलीव इन मोदी केयर, दोस्तों बिलीव इन कायनात आपको कहां से कहां लेके जा सकती है दोस्तों, क्योंकि अगर मन में हो आस्था तो बंद दरवाजे में भी है रास्ता, आपको वो रास्ता ढूंढना है। अपने बिलीफ को अगर स्ट्रांग करोगे तो कहां से कहां पहुंच जाओगे, कायनात उसी को सपोर्ट करती है जो खुद के सपोर्ट के लिए रेडी होता है दोस्तों, कॉन्फिडेंट होता है, कमिटेड होता है। तो हमें यही चीज को करना है दोस्तों, एटीट्यूड को हमेशा से पॉजिटिव रखिए। मैंने अपने कभी कैसी भी सिचुएशन हो, मेरे दिमाग में कभी ये नहीं आया कि मोदी कैसे, ये नहीं आएगा, आएगा, सबको मिल रहा है, मुझे भी मिलेगा, ये एटीट्यूड को रखा है। लेकिन एक एटीट्यूड को नहीं, मुझे इसमें हम पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ मुझे विनिंग एटीट्यूड बहुत अच्छा लगता है, फाइटिंग एटीट्यूड को डेवलप करना है, चैंपियन एटीट्यूड को डेवलप करना है, नेवर गिव अप के एटीट्यूड को हमें डेवलप करना है दोस्तों। चैंपियन एटीट्यूड आपका रहेगा ना दोस्तों, तो आप फाइटर बनोगे और आप बहुत अच्छे से सक्सेस को कभी गिव अप नहीं करोगे। तो दोस्तों ये सब हमें करना ही करना है, एक्शन लेवल को बढ़ाते जाना है, हमें मैसिव एक्शंस करने हैं, अपने आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना है दोस्तों। अगर कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ोगे ना तो आपके लिए हमारे सफलता की देवी, जो सक्सेस की देवी है, जो कायनात बोलते हैं हम जिसको, जो मैडम बार बार सिखाते हैं, सुरेखा मैम, कि बस इसी को फोकस करो, आपका जो माइंड है ना, इफ योर माइंड कैन कंसीव देन ओनली यू कैन अचीव, अदरवाइज हम ही बिलीव नहीं करेंगे अपने आप पर, हमें पता नहीं है कि होगा क्या, तो दोस्त मुश्किल है सफलता तक पहुंचना। तो अपने आप पे भरोसा करना सीखिए, खुद पे भरोसा करना सीखिए, अपने लीडरों पे भरोसा करिए, और इस बिजनेस में एक्शन लगातार करते रहोगे तो हमारे लिए बहुत सक्सेस मिलना कोई मतलब आसान हो जाएगा, मुश्किल नहीं होगा। तो दोस्तों अगर मैसिव एक्शंस करोगे तो सफलता की देवी आपको हार पहनाने के लिए खड़े हैं। तो बस उस हार के लिए अपने आप में एक जज्बा क्रिएट करिए कि मुझे ये पहनना ही पहनना है किसी भी हाल में। अगर मोदी केयर इतने लोगों को सक्सेस कर रहा है तो मुझे भी चाहिए। बस यही चीजें हम करते हैं, मैं और मेरी टीम और दोस्तों सक्सेस पा रहे हैं, बहुत अच्छे से कर रहे हैं। और अभी मैं बताऊं, ये तो शुरुआत हुई है, अगर पेंडेमिक सिचुएशन में 8 से 10 लाख का चेक बन रहा है तो जैसे सर ने हमें बताया था कि ये बड़ा सा केक जो कटने वाला है ना दोस्तों, बड़ा हिस्सा हमारे हिस्से में आना ही चाहिए। तो एक शायरी बताना चाहूंगी कि अभी तो हमने चांद को देखा है दोस्तों, मोदी केयर में अभी तो चांद है, मोदी केयर में अभी तो हमने चांद को देखा है, सूरज का निकलना तो बाकी है, अभी तो हमने सफलता के स को छुआ है, अंत के त तक पहुंचना तो बाकी है। और हर लीडर जो इतने एफर्ट डाल रहा है, ऑनलाइन सब कुछ मिल रहा है दोस्तों, इतने जूम पे हर लीडर, मैं वापस से बोलना चाहूंगी, सुरेखा मैम, अनिल गावड़े सर, मेरे अल्पेश गज्जर सर, सबके लिए थैंक यू सो मच, एंटायर लीडरशिप जो इतने कमिटेड हैं इस बिजनेस में हम सबकी ग्रोथ के लिए। तो हमें तो किसी भी हाल में इसको पाना ही पाना है, और बिना सफलता के दोस्तों कहते हैं ना, गरीब जन्म लेना इज ओके,
लेकिन गरीब मरना बहुत बड़ा जुर्म है। और हम जुर्म करने के लिए नहीं, हम सपोर्टिव सिस्टम में या विन विन सिचुएशन में अगर इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी समीर सर हमें दे रहे हैं तो हमें बड़ा उसमें करके दिखाना है। तो विश यू ऑल द बेस्ट, जय हिंद जय मोदी केयर। दोस्तों मिलते हैं सफलता के शिखर पर। थैंक यू सो मच एंटायर टीम। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच मैम। मन में हो आस्था तो बंद दरवाजे में है रास्ता। यस मैम, दैट्स वेरी मच ट्रू। थैंक यू सो मच, सच अ ब्यूटीफुल एनर्जेटिक टीचिंग और इंस्पायरिंग स्टोरी मैम, थैंक यू सो मच। आई होप मेरे जितने आज यहाँ पे ज्वाइन किए इन सबको इस चीज से बहुत अच्छा ज्ञान मिला होगा एंड दे विल कैरी फॉरवर्ड फॉर देयर बिल्डिंग द बिजनेस। आपने बहुत अच्छी बात कही, सोच को बड़ा करना होगा। छोटी सोच सही बात है कि हम गरीब पैदा होते हैं चलेगा, हम गरीब हैं वो भी चलेगा, लेकिन हमारी सोच से हमें गरीब नहीं होना है, हमारी सोच से हमें अमीर होना है और वही सोच हमें बहुत बड़ा अमीर बनाती है इस वर्ल्ड में, राइट। अपलाइन, यस वेरी मच, अपलाइन इज ऑलवेज सपोर्टिव मैम। हमारे लिए अपलाइन हमारा भगवान होता है, वी शुड स्टार्ट ट्रीटिंग देम एज अ गॉड, राइट। यस, आपने स्किल के बारे में कहा, यस स्किल इज नॉट रिक्वायर्ड एक्चुअली फॉर डायरेक्ट सेलिंग, राइट। यहाँ पे तो हम ही इसकी ब्रांडिंग कर देंगे। हरी सर ने भी बहुत अच्छा पॉइंट कहा था जो मैं मिस कर गया था, जेरोक्स। हम जब स्टोर्स में जाते हैं हम उसको नहीं बोलते कि हार्ड कॉपी दो, हम उसको बोलते हैं जेरोक्स दो, विच इज अ रॉन्ग वर्ड। एक्चुअली जेरोक्स एक कंपनी है जो उसने मशीन बनाई है फोटो कॉपी के लिए। हम मोदी केयर बिजनेस को भी डायरेक्ट सेलिंग के साथ वही ब्रांडिंग करने जा रहे हैं दोस्तों। जब डायरेक्ट सेलिंग का नाम आएगा तो सिर्फ मोदी केयर का नाम आएगा, इट विल बी कॉल्ड एज रिप्लेसमेंट ऑफ डायरेक्ट सेलिंग, राइट। यस, स्किल की कोई जरूरत नहीं है एंड नो सक्सेस विदाउट सेक्रीफाइस, यस दैट्स ट्रू। बोलते हैं ना सक्सेस के लिए एलिवेटर नहीं होता, लिफ्ट नहीं होता, सक्सेस के लिए सिर्फ सीढ़ी होती है और उसे हर स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ता है, राइट। दोस्तों यही था मैसेज यहाँ पे, एक साइकिल भी दो पहिए से चलती है, राइट। और हम एक जॉब एक ट्रेडिशनल बिजनेस को लेके इतने बड़े एटीट्यूड में रहते हैं कि भाई अब तो सब कुछ है अपने पास। दोस्तों वो एटीट्यूड मत दिखाइए, वो ट्रेडिशनल बिजनेस और वो जॉब चुटकियों में चला जाएगा, तब आप सिर्फ हाथ मलते रह जाओगे। सो दिस इज द राइट मोमेंट, एक गोल्डन पीरियड है, इसको एक्सेप्ट करिए। वी आर इन एक्चुअली अ राइट टाइम टू ज्वाइन दिस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस एंड स्पेशली मोदी केयर दोस्तों। सो यस, तो आज का सेशन इसी तरह हम खत्म करेंगे। आज शाम को 6:30 बजे हमारे प्यारे ऑल मल्टीमिलियनर निषाद जी के इसमें परिवर्तन का सेशन है, तो भारी से भारी संख्या में इसे ज्वाइन करिए इस सेशन को और सीखिए और लोगों को सिखाइए दोस्तों, राइट। सो इन्हीं शब्दों को मैं विराम देते हुए आज का सेशन खत्म करता हूँ। दोस्तों स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मोदी केयर में व्यस्त रहिए। नमस्कार।